हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अब की बार जेई मेन्स 2021 के अंदर चार अटैम्प्ट मिलने वाले हैं। पहले दो अटैम्प्ट हुआ करते थे, लेकिन अब की बार चार अटैम्प्ट कर दिए गए हैं। इसी को देखते हुए नीट 2021 के छात्र ये बोल रहे हैं कि हमें भी जो है कम से कम दो अटैम्प्ट देने चाहिए, ट्वाइस इन ए ईयर नीट का एग्ज़ाम होना चाहिए। पहले भी ये बात हुई थी फ्रेंड्स कि 2021 से नीट जो है ट्वाइस इन द ईयर हो सकता है, लेकिन इसके बारे में अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई थी। लेकिन जैसे ही जेई मेंस के एग्ज़ाम को चार अटैम्प्ट दिए गए हैं, उसी के बाद जो है नीट 2021 के लिए ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ये भी दो बार होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम खबर पढ़ लेते हैं, नीट 2021 आफ्टर जेई मेंस 2021 चेंजेज, स्टूडेंट्स होप फॉर नीट इन जून ट्वाइस दिस ईयर। जी हाँ दोस्तों, तो देख लेते हैं क्या है पूरी खबर। यहाँ पर पढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रांस टेस्ट नीट 2021 एग्जाम डेट्स आर एगरली अवेटेड आफ्टर द जेई मेंस 2021 डेट्स वर अनाउंस्ड। मैनी स्टूडेंट्स टुक टू ट्विटर टू सीक क्लियरिटी ऑन नीट 2021 एग्जाम डेट्स एज वेल। रिपोर्ट्स ऑफ एन अनाउंसमेंट बाई एनटीए बाई द एंड ऑफ दिस मंथ ऑफ अर्ली इन जनवरी। ये फ्रेंड्स, हम पूरी खबर देखें उससे पहले मैं आप सभी के साथ एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा। फ्रेंड्स, अगर आप महाराष्ट्र सीईटी की तैयारी कर रहे हैं 2021 के लिए, तो फ्रेंड्स एन अकेडमी जो कि इंडिया का लार्जेस्ट एंड बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, आपके लिए एवरी संडे को फ्री मैराथन क्लास लेकर के आता है। जी हाँ दोस्तों, आपको जो है महाराष्ट्र सीईटी के लिए फ्री मैराथन क्लासेस दी जाएगी संडे को। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, तो आपके सामने एनरोल करने के लिए वो एक जो है कोड मांगेगा। वहाँ पर आपको जो है स्क्रीन पर दिखाई दे रहा ये एग्ज़ाम इन्फो कोड जो है डाल देना है, जिससे कि फ्रेंड्स आप जो है इस फ्री क्लास के अंदर फ्री में एनरोल कर जाओगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं फ्री मैराथन क्लासेस महाराष्ट्र सिटी 2021 एवरी संडे को, जिसके अंदर प्रियंक बाकलीवाल, तेजवीर सर, स्वाति पवार, निर्मल बेसवाल सर जो है आपको पढ़ाएंगे, और जो कि अपने अपनी कैटेगरी के अंदर टॉप एजुकेटर हैं। तो फ्रेंड्स, आप इन फ्री मैराथन क्लासेज का लुत्फ लीजिए। ये फ्री क्लासेज तभी होगी जब आप ये एग्ज़ाम इन्फो कोड यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए अब चलते अपनी वीडियो की ओर। रिपोर्ट ऑफ अनाउंसमेंट बाई एन टी ए बाई द एंड ऑफ दिस मंथ ऑफ अर्ली इन जनवरी रिगार्डिंग नीट 2021 डेट्स हैव ऑल्सो स्टार्टेड टू सर्कुलेट। ऑफिशियल नोटिफिकेशन हाउ एवर इज स्टिल अवेटेड। तो फ्रेंड्स, ये माना जा रहा है कि जनवरी के अर्ली में जो है आपकी नीट 2021 की डेट भी अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। जल्द ही इनके जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएंगे और रजिस्ट्रेशन होना स्टार्ट हो जाएंगे। आफ्टर मच एंटिसिपेशन एजुकेशन मिनिस्टर अनाउंस द एग्जाम डेट फॉर जेई मेन 2021 एग्जामिनेशंस एज सजेस्टेड बाय हिम अर्लियर इन हिज वेबिनार विद स्टूडेंट्स। जेई मेन 2021 इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड फोर टाइम्स। चार बार जो है आपका जेई मेन 2021 का एग्जाम अब की बार होने वाला है। देयर इज नाउ एन इंक्रीजिंग इंटरेस्ट इन द नीट 2021 डेट्स विद स्टूडेंट्स होपफुल ऑफ मोर देन वन नीट एग्जाम। तो अब सभी स्टूडेंट्स के मन में यही होप है कि नीट का एग्जाम भी एक से ज़्यादा बार 2021 के अंदर देखने को मिल सकता है। इसके बाद देखिएगा, टैगिंग द एजुकेशन मिनिस्टर स्टूडेंट हैव रीच्ड आउट टू हिम ऑन ट्विटर। बहुत सारे ट्वीट किए जा रहे हैं आस्किंग हिम टू पोस्टपोन द नीट एग्जाम टिल जून, कि नीट के एग्जाम को जो है पोस्टपोन कर दिया जाए जून तक। अगर इसको जो है ट्वाइस नहीं लिया जा रहा है तो इसको जून तक पोस्टपोन किया जाना चाहिए, जो सिंपल सी बात है। सम हैव इवन रिक्वेस्टेड फॉर द एग्जाम टू बी कंडक्टेड मोर देन वंस वाइल अदर आर होपिंग फॉर एन ऑनलाइन नीट एग्जाम। तो यहाँ पर जो है तीन बातें आपको देखने को मिली कि एक तो आपका एग्जाम जो है वो जून में कर दिया जाना चाहिए अगर ट्वाइस नहीं किया जा रहा है तो, और दूसरा मांग ये हो रहा है कि ट्वाइस आपका एग्जाम जो है एक साल में होना चाहिए नीट का, और तीसरा क्या है कि आपका एग्जाम जो है वो ऑनलाइन लिया जाना चाहिए। जैसा कि फ्रेंड्स डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने बोला था वेबिनार के अंदर कि अभी तक तो हमने ऑनलाइन का सोचा नहीं है, लेकिन ऑनलाइन के अगर सजेशन आते हैं तो हम जो है ज़रूर इसके बारे में सोचेंगे। तो इसीलिए जो है फ्रेंड्स अब ऑनलाइन एग्जाम को लेकर भी काफ़ी ट्वीट किए जा रहे हैं। तरुण कुमार राइट्स, थैंक यू सो मच फॉर द हेल्प रिस्पेक्टेड सर। अनदर हम्बल रिक्वेस्ट इज टू अनाउंस द डेट्स ऑफ नीट 2021 फॉर द एस्पिरेंट टू बी प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड, थैंक यू। तो यहाँ पर भी बोला गया है कि सबसे पहले जो है आप जो है हमारी जो ये एग्ज़ाम डेट है वो एक बार फाइनल कर दें, जिससे कि हमको तैयारी करने में कोई प्रॉब्लम ना हो और हम जो है अपना टारगेट बना के चलें। और देखिएगा फ्रेंड्स, एक और मैं बात बता देता हूँ, टीचर्स आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग एन इंसाइटफुल इंटरेक्शन विद यू ऑल ऑन दिसंबर 2020 एट 4 PM। तो 22 दिसंबर को जो है डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक शाम 4 बजे एक बार फिर से लाइव आएंगे और आप सभी की जो है क्वेरी लेंगे, सजेशन लेंगे और बताएंगे आपको कि आपकी नीट एग्ज़ाम
कब हो सकती है, मोस्ट प्रोबेबली ये बात बता देनी चाहिए, या फिर मल्टीपल अटैम्प्ट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, कुछ जानकारी हमें ज़रूर सुनने को मिल सकती है। बाकी देखते हैं क्या रहता है 22 दिसंबर को। ग्रेट टू हियर दैट जेई मेन्स विल बी कंडक्टेड इन 4 फेजेज। थैंक यू सो मच फॉर द हेल्प रिस्पेक्टेड सर। अनदर हम्बल रिक्वेस्ट इज टू अनाउंस द डेट्स ऑफ नीट 2021 फॉर द एस्पिरेंट टू बी प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड। थैंक यू। तो ये बात उन्होंने बोली फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा लिखा गया है। अनदर स्टूडेंट्स हैज आस्क फॉर क्लैरिटी ऑन डेट्स, और काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने पूछ लिया है कि क्लैरिटी कर दी जाए डेट्स के ऊपर। स्टूडेंट्स आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। क्या नीट मल्टीपल टाइम्स होना अच्छा है, और क्या नीट्स की डेट्स अभी से फाइनलाइज हो जानी चाहिए? सिलेबस रिडक्शन के बारे में आपका क्या मानना है, अब की बार रिड्यूस नहीं किया जा रहा है, और क्या उसके बदले एग्ज़ाम पोस्टपोन किया जाएगा या फिर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिए जाएंगे? ये एक इंटरेस्टिंग रहेगा, देखते हैं क्या फैसला आता है। आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी राय दे करके ज़रूर हमें बताएं। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।